इंदौर शहर कोरोना संक्रमण के जिस दौर से गुजर रहा है उस स्टेज में संक्रमण बहुत तीव्र गति से फैलता है। शहर में पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के निवास से संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त मरीजों की फर्स्ट एंड सेकंड कॉन्टेक्ट हिस्ट्री का पता लगाकर संबंधित व्यक्तियों को आइसोलेट कर क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए नए 17 मरीज इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए व्यक्तियों में से है। प्रशासन का ये प्रयास है कि कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के परिवारजनों तथा जिनसे उनका कॉन्टैक्ट हुआ है उन्हें तत्काल क्वारंटाइन किया जाए। कलेक्टर ने बताया कि रानीपुरा हाथीपाला सबसे ज़्यादा चुनौती वाले क्षेत्र हैं। घनी बस्ती होने के कारण यहाँ संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है। उन्होंने बताया कि चंदन नगर एवं खजराना में डिटेल सर्वे कराया जा रहा है। यहाँ आशा ANM तथा आंगनवाड़ी वर्कर की टीम के द्वारा घर घर जाकर दवा वितरण एवं प्रोफेशनल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इनके द्वारा सर्वे कर कोरोना से संबंधित लक्षण जैसे सर्दी खांसी जुकाम गले में खराश आदि होने पर येलो कैटेगरी वाले अस्पताल में स्क्रीनिंग के लिए भेजा जा रहा है। जिला कलेक्टर ने कहा कि अगले 7 दिन सख्ती बरकरार रखी जाएगी तथा कर्फ्यू का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। उन्होंने इंदौर की जनता से अपील की है कि सभी मानसिक रूप से तैयार रहें तथा लॉकडाउन के समय प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिन में करीब 450 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है तथा 285 लोगों का स्वाब टेस्ट के लिए भेजा गया। क्वारंटाइन फैसिलिटी बढ़ाने के उद्देश्य से बैकहैंड पर लगातार काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कोविड पॉजिटिव पेशेंट के इलाज के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य भी किया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए लगभग 700 बेड की व्यवस्था है। उन्होंने जानकारी दी कि एक आदेश के द्वारा अस्पतालों को रेड येलो एवं ग्रीन कैटेगरी में विभाजित किया गया है। रेड कैटेगरी में कोविड पॉजिटिव पेशेंट, येलो कैटेगरी में कोरोना से संबंधित लक्षणों वाले पेशेंट तथा ग्रीन कैटेगरी में अन्य बीमारियों के इलाज वाले पेशेंट के लिए जाएंगे। कलेक्टर सिंह ने बताया कि ग्रीन कैटेगरी वाले अस्पताल सबसे ज़्यादा हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंदौर में शहर की आबादी बहुत बड़ी है तथा बहुत सारे लोगों को कई अन्य बीमारियाँ हैं, उनका इलाज सामान्य रूप से चल सके इसलिए ग्रीन कैटेगरी के अस्पताल सबसे ज़्यादा हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना स्वाइन फ्लू से कम खतरनाक है तथा भारतीय इस वायरस से लड़ने में बहुत सक्षम है, इसलिए लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस संयम बरतने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के समय दवा बाज़ार केमिस्ट एसोसिएशन से संबंधित फैक्ट्री यूनिट पूर्ण रूप से खुली रहेगी। वहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रमाण पत्र के द्वारा आने जाने पर छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर तथा नर्स की सुरक्षा के लिए PPE किट दी गई है। रेड एवं येलो कैटेगरी वाले अस्पतालों में PPE किट के माध्यम से डॉक्टर तथा नर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। ग्रीन कैटेगरी वाले अस्पतालों में HIV किट का वितरण किया गया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।